हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं मानसी गुप्ता एक बार फिर से SPL लाइव लर्निंग में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम एक दिलचस्प कहानी पर बात करेंगे। तो आज की हमारी कहानी है एक भागी भागी डॉक्टर के क्लिनिक पर गई महिला। एक दिलचस्प कहानी, एक महिला भागी भागी डॉक्टर के क्लिनिक पर गई। वो थोड़ी घबराई और सहमी हुई थी। उस पर डॉक्टर साहब की नज़र पड़ी और उसे नंबर से पहले बुलवा लिया। डॉक्टर थोड़े दिलफेक किस्म के थे। महिला जी, क्या प्रॉब्लम है आपकी, डॉक्टर ने पूछा। महिला घबराई हुई बोली, जी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम मेरे हस्बैंड की है। मुझे लगता है कि वो मानसिक रोगी होते जा रहे हैं। डॉक्टर, अच्छा क्या करते हैं, आप पर हाथ उठाते हैं या आपके साथ मिसबिहेव करते हैं। महिला, नहीं नहीं, धमकियां देते हैं और ये भी कहते हैं कि मेरा हिसाब कर दो, मेरा हिसाब कर दो। डॉक्टर, आप परेशान ना हो, कहाँ हैं आपके हस्बैंड, साथ नहीं लाए आप उनको। महिला, डॉक्टर साहब मैं उनको साथ नहीं ला सकती थी, वो घर पर हैं। डॉक्टर जी, मैं समझ सकता हूँ, डॉक्टर साहब हर खूबसूरत औरत के साथ गहरा रिश्ता बना लेते थे। महिला, अगर आप अपनी गाड़ी और ड्राइवर मेरे साथ भेजवा दें तो मैं अपने हस्बैंड को आसानी से ले आऊंगी। डॉक्टर ने अपने ड्राइवर को आदेश दिया कि मैडम के साथ जाएं। अब महिला क्लिनिक से निकलकर गाड़ी में बैठ गई और ड्राइवर से कहा कि फलां ज्वेलरी शॉप ले चलो। ज्वेलरी शॉप आते ही महिला काफी नाजो अंदाज से उतरी और शॉप में चली गई। वहां पर उसने एक बहुत ही महंगा सा सेट पसंद किया और पैक करवाया। जब पेमेंट की बारी आई तो वह एक सार्केस्टिक तरीके से अपनी परेशानी बयां करते हुए बोली, महिला मैं फलां डॉक्टर की वाइफ हूं और अभी मुझे ये सेट लेना बहुत जरूरी था। मेरे पास पूरे पैसे भी नहीं है और न ही कार्ड है। आप मेरे साथ अपने शॉप के किसी आदमी को भेज दीजिए और डॉक्टर साहब पेमेंट दे देंगे। ज्वेलरी शॉप के मालिक ने सोचा कि बड़ा अमाउंट है, मुझे ही जाना चाहिए, इस बहाने घूम भी लूंगा, और वह गाड़ी में बैठ गए। लेकिन जब महिला गाड़ी में नहीं बैठी और ड्राइवर से कहा कि इनको डॉक्टर साहब के पास ले जाओ, ड्राइवर ज्वेलरी शॉप के मालिक को लेकर क्लिनिक पहुंचा और डॉक्टर साहब से बोला कि मैडम नहीं आई मगर उन्होंने इन साहब को भेजा है। डॉक्टर साहब ने धीरज रखते हुए ड्राइवर के साथ आए सज्जन को देखा और इंतजार करने को कहा। जब उनकी बारी आई तो डॉक्टर साहब बड़े नर्म लहजे में बोले, हाँ तो बताइए जनाब, कैसे हैं आप। ज्वेलरी शॉप के मालिक ने जवाब दिया, जी डॉक्टर साहब मैं ठीक हूँ। डॉक्टर साहब तो क्या परेशानी और तकलीफ है आपको। ज्वेलरी शॉप का मालिक, डॉक्टर साहब मेरा हिसाब कर दीजिए। तो ये थी एक दिलचस्प कहानी जिसमें डॉक्टर साहब ने एक महिला की समस्या को समझा और साहस दिखाकर समस्या का समाधान किया। हमें ये सिखाती है कि हमें समस्याओं का सामना करना चाहिए और दूसरों की मदद करने में हमारा सौभाग्य है। आपको ये कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट्स में अपने विचार साझा करें। आपका धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन यानी घंटा के बटन को दबा दीजिए जिससे आपको हमारी प्रत्येक एजुकेशनल वीडियो मिलती रहे। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।